जरूरत पड़ने पर तो गधे को भी बाप बना लेना चाहिए ना, परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं माई, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये खतरनाक खेल खेलना चाहिए। इन लड़कों का क्या भरोसा भाई, बात का बतंगड़ बनाने में जरा देर नहीं लगाते। और माँ जी ने जो फकीरा नामी बॉडीगार्ड हमारे पहरे पर लगा रखी है उसका क्या? अरे भाभी क्यों परेशान हो रही है, 4 दिन की तो बात है और वैसे भी हमने यहाँ से चले जाना है, हमने कौन सा पूरी जिंदगी यहाँ रहना है। और फिर इन 4 दिन तक ही मजनू हमारे बड़े काम भी आएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है माही। तुम बस डरती रहना, मुझे बताओ फारिस से मिलना है कि नहीं? मिलना तो है मगर। अगर मगर कुछ नहीं, फिर मुझे मेरे प्लान को फॉलो करने दो, वरना लेकर बैठी रहना फारिस की नाराजगी और रोती रहना, मेरे पास ना आना शिकायत लेकर। क्या प्लान है तुम्हारा? मैं बताती हूँ। आंटी आजकल तो कोई भी इवेंट हो, मेहंदी हो, मायू हो, बारात हो, ड्रेस के हिसाब से ही मेकअप होता है। तो मैंने सोचा कि रिदा को मैं एक बहुत अच्छे पार्लर लेकर जाऊंगी, उसका मेकअप कराऊंगी, उसे प्यारा बनाऊंगी। और वैसे भी शादी तो आंटी एक ही बार होती है ना, रिदा की सारी ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन शहर में शिफ्ट होने के बावजूद भी हम कहीं कहीं पुराने ख्याल के लोग हैं। ये दिखाइएगा मुझे, हमें इस तरह से माइयों की दुल्हन का बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे थोड़े वहमी हैं हम इस मामले में। मेरी सास कहती थी कि ये बशगुनी होती है, लड़की पर किसी भी बाहर वाले की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए तो मैंने शहर की सबसे बड़ी ब्यूटिशियन को बुलाया। ये ग्रीन वाला दिखा। लेकिन आंटी वो पार्लर वाला मेकअप घर पर कैसे हो पाएगा? मैं रिदा को पक्का 2 घंटे में वापस ले आऊंगी, आप अंकल से बात करके देखिए ना। नहीं बेटा, मैं इसकी तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे सकती। आंटी मगर एक अगर मगर कुछ नहीं बेटा, माना कि हम बड़े शहर में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन हमारी रस्म और रिवाज रिवायतें अभी भी अपनी जमीन से ही जुड़ी हुई हैं। दिखाएगा तुम तो बेटा खुद एक रिवायती खानदान से हो, इन बातों को अच्छी तरह से जानती हो। जी आंटी मैं समझती हूँ। बस अब इस बारे में और कोई बहस नहीं, 2, 4, 6 जितनी ब्यूटिशियंस बुलानी है बुला लो। रिदा घर से कदम बाहर नहीं निकालेगी, अभी अपनी रुखसती के बाद ही घर से बाहर निकलेगी। जी आंटी। ये अच्छा लग रहा है मुझे, ये इसके साथ जाएगा, देखो बहुत प्यारा करा है, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारा, कमाल, बहुत खूबसूरत काम है माशाल्लाह। मैंने पहले ही कहा था मैं नहीं मानेंगी, अब क्या करें माही, फारिस तो मुझसे नाराज हो जाएगा। उसे क्या कहे, कहाँ मिलने को बोल रहा है? टेलीकैटिसन बुलाया, उसे फोन मिलाओ, मैं बात करती हूँ। उसका फोन ऑफ है, बहुत ही जिद्दी है वो, अब वो मुझसे तभी बात करेगा जब मैं उसे मिलने जाऊंगी। माय बेबी वो हाँ क्या हुआ? वो जी मैं ये पूछने के लिए आई थी कि रात के लिए आपके कौन से कपड़े निकालूं? मैं खुद आकर निकाल दूंगी। हला जी अब कुछ नहीं जी। फोन मिला।